आइए आज मैं आपको सिखाता हूँ टमाटो प्यूरी कैसे बनती है। तो इसके लिए मैंने ये 1 kg जो है टमाटो ले लिया है। तो ये टमाटर में सबसे पहले इस तरह से हल्का सा कट लगा लेंगे, क्रॉस कट, क्योंकि इसे हम ब्लांच करेंगे। ये इसलिए कर रहे हैं कि ताकि इसकी स्किन जो है आराम से हम निकाल सके। इस तरह से सब में क्रॉस कट करना है हल्का सा, कोई डीप नहीं करेंगे। और कट के साथ साथ ये इसकी आँख जो है टमाटर की, ये आँख भी हम निकाल देंगे। इस तरह से सारे टमाटर में मैंने क्रॉस कट कर लिया है और उसकी जो आँख रहती है आइस वो भी मैंने निकाल दी है। तो टमाटर प्यूरी बनाने के लिए हमें चाहिए इस तरह से अच्छे पक्के एकदम मस्त लाल टमाटर। 1 kg लिया है मैंने और ये प्यूरी आप लगभग 3 से 4 महीना, मैक्सिमम 6 महीना तक घर में स्टोर कर सकते हैं। आइए, अभी कढ़ाई में मैंने पानी को अच्छे से बॉईल कर लिया है। तो अब ये जो हमारे टमाटर है ये इसके अंदर डाल देते हैं और ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 सेकेंड हमें उसको बॉईल करना है ताकि इसकी जो गैस को तुरंत हम बंद कर देंगे और जो टमाटर हमारे हैं हम ये ठंडे पानी में ले लेंगे इस तरह से। अब इसको 4 से 5 मिनट हम ठंडा करने के लिए रख देंगे, क्योंकि मैंने फ्रिज से जो है रेफ्रिजरेटर का ठंडा पानी यूज किया हुआ है, तो टमाटर हमारा तुरंत ही कूल ठंडा हो जाएगा। उसके बाद हम इसको पील आउट, इसकी स्किन निकाल देंगे। आइए, 3-4 मिनट हो चुके हैं, हाथ मैंने एकदम क्लीन कर लिया है। तो अब इसको जो है अब इस तरह से इसकी स्किन जो है हम निकाल देंगे इस तरह से। हमें इसकी स्किन जो पूरे टोमेटोज है उनकी स्किन हमें रिमूव करना है, एकदम इजीली और आसानी से हो जाएगी। इस तरह से मैंने सारी टमाटर की स्किन भी उतार ली, उसको 2 टुकड़ों में इस तरह स्प्लिट कर दिया है। अब क्या करेंगे हम, ये जो है बीज का ये जो पोर्शन है इसके बीज जो है वो निकाल लेंगे इस तरह से, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। और इसको स्क्वीज कर देंगे इस तरह से, देखिए। तो ये सारे टमाटर ले लिए हमने ब्लेंडिंग जार में। अब इसको अच्छे से ब्लेंड करके इसकी अच्छी सी प्यूरी बनाएंगे। सारे टमाटो को मैंने ब्लेंड कर दिया है और देखिए जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं अच्छा ब्यूटीफुल डार्क और रिच कलर आया है। और अब हम इसको एक कढ़ाई में निकाल लेंगे। तो एक छलनी फिल्टर ले लिया है मैंने और अब इसमें डाल देंगे। और पूरा जो है फिल्टर कर लेंगे ताकि कोई जो स्किन अगर रह गई हो, डेड स्किन या सीड्स रह गए हो, तो वो निकल जाए और हमारी फाइन स्मूथ एकदम जो मार्केट में ब्रांडेड मिलती है टोमेटो प्यूरी, वैसी टोमेटो प्यूरी हमें। हम जो है गैस ऑन कर देते हैं और रख देते हैं इसके ऊपर हमारी ये प्यूरी, और 6-7 मिनट तक हमें इसको कुक करना है। ये 5 मिनट के बाद ही इसमें पहला उबाल आ चुका है। तो अब इसमें मिलाएंगे ये वाली चम्मच शुगर, क्योंकि थोड़ा खट्टापन होता है वो दूर हो जाएगा इस शुगर इसके अंदर। और डालेंगे नमक एक और ये 2 स्पून, ये वाली छोटी, एक बार अच्छे से चला लेंगे। देखिए पकने के बाद इसका कलर और इनहेंस हो गया है और डार्क और ब्यूटीफुल कलर हो गया है। सिर्फ 2 मिनट उसे अभी हमें और पकाना है, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट। 5 मिनट हो चुकी है और दूसरा उबाल आ चुका है और लगातार कंटिन्यू मैंने इसको चलाया था। और ग्रेवी हमारी ये जो है प्यूरी एकदम रेडी है, देखिए
ब्रांडेड कंपनी की जो ग्रेवी है उससे कहीं अच्छी रहेगी, और वो तो क्वालिटी की गारंटी उसमें भी नहीं है, मिलावट वाली रहती है। मगर हमारी प्योर और नेचुरल टोमेटो प्यूरी रेडी है। सबसे पहले गैस को चुप कर देंगे और ग्रेवी जो बहुत ही गर्म हो चुकी है प्यूरी, उसको ठंडी करेंगे, और थोड़ी सी ठंडी होने पर तुरंत उसको बॉटल में हम जो है कोई भी कांच, आइए प्यूरी अभी भी थोड़ी सी गर्म है तो इसको लेके इस तरह से ये बॉटल में भर लेंगे। तो ये तैयार है हमारी टोमेटो प्यूरी। देखिए कितनी नाइस थिक और कलर कितना अच्छा है, एक्सपेक्ट जितना किया था उससे काफी अच्छा कलर आया है। और अब लगा दीजिए इस बॉटल पे कोई भी लेबल कोई भी कंपनी का तो हो जाएगा ब्रांडेड, और रेडी है, घर पे बनाइए आप। ये 6 महीना तक ये प्यूरी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, 6 महीना तक वो अच्छे से इसको आप स्टोर कर सकते हो।